सैमसंग ने अपना सबसे पहला गैलेक्सी फैन एडिशन स्मार्टफोन S20 FE जो है वो 2020 में लॉन्च करा था। ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कि एक S सीरीज का फ्लैगशिप स्मार्टफोन चाहते थे लेकिन बजट के कारण अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद में हमें नए गैलेक्सी फैन एडिशन के जो स्मार्टफोन है वो कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहे हैं, जो कि अच्छे भी रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम उनमें हमें कुछ कमियां भी देखने को मिली है। लेकिन अभी S24 FE के साथ में ये सारी चीजें जो है ना वो बदलने वाली है, क्योंकि इस बार इस स्मार्टफोन से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो चलो फिर S24 FE को कौन सी चीजें यहाँ पर बेटर बनाती हैं, ये चीज जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सैमसंग S24 FE के डिजाइन में हमें कोई खास मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज जरूर फिक्स कर दी है। जो S23 FE था ना उसमें जो बेजल्स थे वो हमें काफी ज्यादा थिक देखने को मिले थे, लेकिन इस बार जो S24 FE है ना उसमें जो बेजल्स है उनको पहले के मुकाबले में थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि मैं बोलूंगा एक अच्छी चीज भी है। और जो साइड्स है वो हमें एल्यूमिनियम की देखने को मिलेगी। लेकिन एक और चीज यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छी करी है डिजाइन वाइज, यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि मैं बोलूंगा कि फोन की जो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगी। पर डिस्प्ले वाइज यहाँ पर सैमसंग ने एक और काफी बड़ा चेंज करा है। वेल यूजुअली जो हमें फैन एडिशन के स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं ना वो थोड़े से हमें कॉम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार क्या किया है सैमसंग ने, इस बार जो डिस्प्ले का साइज है वो हमें 6.7 इंच देखने को मिलता है। अभी इससे ना दो चीजें होगी, एक तो जिनको बड़ी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा, और सेकंडली इसमें आपको कंटेंट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि जो डिस्प्ले साइज है वो पहले के मुकाबले में इंक्रीज करके 6.7 इंचेस कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर हमें डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। हालांकि ये सभी चीजें जो है ना ये तो काफी ज्यादा कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पहले के मुकाबले में काफी बड़ा जंप देखने को मिलता है इसकी परफॉर्मेंस के अंदर। इस साल सैमसंग ने अपने नॉन अल्ट्रा मॉडल्स में एक्सिनोस 2400 SoC प्रोवाइड करा था, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आ रहा था। लेकिन अभी सिमिलर प्रोसेसर हमें S24 FE में भी देखने को मिलेगा। अभी सिमिलर इसलिए क्योंकि जो S24 FE है इसमें हमें एक्सिनोस 2400E प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक अंडरक्लॉक्ड प्रोसेसर है। अभी इसके साथ में ना दो चीजें हो जाएंगी, एक तो जो परफॉर्मेंस है वो आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, और जो एफिशिएंसी है वो भी पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें LPDDR5X रैम टाइप मिल जाएगा, और जो 256GB वाला वेरिएंट है उसमें हमें UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाएगी, और फोन के अंदर ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी और Wi-Fi 6E की यहाँ पर सपोर्ट देने को मिल जाएगी। और जो स्मार्टफोन है वो IP रेटिंग 68 के साथ में आता है, जो कि इसको वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट बना देती है। अभी अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में, देन बैटरी डिपार्टमेंट में भी सैमसंग ने यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स करी है। जो S23 FE था उसमें हमें 4500mAh की बैटरी मिली थी, लेकिन जो S24 FE है इसमें हमें 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जो फास्ट चार्जिंग है और जो वायरलेस चार्जिंग है वो हमें सेम ही मिलेगी 25W और 15W की रिस्पेक्टिवली। पर इन सबके बीच में सैमसंग ने कुछ ऐसा करा है जो इन्होंने पहले कभी भी FE स्मार्टफोन में नहीं करा है। वेल जो S24 FE है ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आएगा, लेकिन इसमें हमें 7 साल के मेजर OS अपडेट और सिक्योरिटी पैचेस देने को मिलेंगे। तो ये जो चीज है ना ये मुझे काफी ज्यादा सही लगी, क्योंकि जो आपको ट्रीटमेंट फ्लैगशिप सीरीज में मिलता है वही आपको सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर FE सीरीज में भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा गैलेक्सी AI के वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे जो आपको फ्लैगशिप सीरीज में भी देखने को मिलते हैं। फाइनली अभी बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और तीनों ही काफी ज्यादा यूजफुल कैमरास भी हैं। यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो आपको 50MP का प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको OIS की सपोर्ट भी देखने को मिलने वाली है। सेकेंडरी कैमरा आपको 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, और जो थर्ड कैमरा है वो आपको 8MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में आपको 10MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अभी अगर बात करें ना स्पेक्स वाइज आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया गया है प्रो विजुअल इंजन के नाम का। वेल इससे ना आपकी जो नाइट फोटोग्राफी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप पहले के मुकाबले में ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर्स ले पाओगे विद द हेल्प ऑफ प्रो विजुअल इंजन। अभी सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, लेकिन एक चीज बची है जो कि है इसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बारे में बात करें, जो 8 128GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइसिंग आपको 60,000 rupees के अराउंड देखने को मिलेगी, और जो 256GB वाला वेरियंट है उसकी आपको 66,000 rupees के अराउंड कॉस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप 256GB वाला वेरियंट अभी बाय करोगे फेस्टिव ऑफर्स में, देन उसकी जो प्राइसिंग है ना वो आपको 66,000 नहीं बल्कि 60,000 rupees के अराउंड मिलेगी, जो कि 128GB वाले प्राइस पर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सैमसंग की सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन करी थी कि कैसे सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी बन गया, और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।